Good morning, sir. Very good morning. So let me take out your book once. I think we have done all the exercise questions and we will start the next chapter. All exercise questions we have done. Now this topic, what we are going to start, is very important from your higher classes studies point of view. Previous chapters were also important, but ये जो चैप्टर है इस चैप्टर का पूरा सेक्शन बनने वाला है आगे जाके। अभी हम पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, और इसका आगे जाके एक अलग से ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री खुलेगा, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो क्लास टेंथ में वैसा कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो नहीं है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के नाम से हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये चैप्टर 4 है और केमिस्ट्री का ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, डज बायोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? यस, बायोकेमिस्ट्री इज आल्सो अ ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो एक बार मैं बुक दिखा देता हूं आपको, ठीक है, क्या क्या है इस टॉपिक में। ये कार्बन एंड कंपाउंड्स का बुक दिख रहा होगा, चैप्टर 4। इसमें हमें पढ़ना है बॉन्डिंग इन कार्बन, फिर लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्यू मॉलिक्यूल्स, फिर कुछ क्वेश्चन आंसर्स, फिर वर्सटाइल नेचर ऑफ द कार्बन, उसके बाद फिर हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, और उसका स्ट्रक्चर, उसकी नेमिंग कैसे करते हैं, फंक्शनल ग्रुप, होमोलोगस सीरीज, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सिस्टम, फिर कुछ क्वेश्चन आंसर्स और रिएक्शंस, कार्बन कंपाउंड्स के क्या क्या रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, कंबशन, रीअरेंजमेंट, ऑक्सीडेशन, एडिशन, एलिमिनेशन, ठीक है, रिडक्शन, ये रिएक्शंस पढ़ने हैं। फिर सोप एंड डिटर्जेंट पढ़ना है और अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, यही है सीक्वेंस। तो हम शुरू करते हैं जर्नी अपना कार्बन एंड कंपाउंड्स का। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। Sir, you have muted your mic, sir.
Excuse me, sir. You have muted your mic, sir. आपका माइक म्यूट हो रखा है सर। आपका माइक म्यूट है सर। सर वॉइस इज नॉट कमिंग। सर यू हैव म्यूटेड योर माइक सर। अभी ठीक है? म्यूट हो रहा है। यस सर। तो हम क्या कह रहे थे कि हम कार्बन कंपाउंड्स को अलग से चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कार्बन जो है वर्सटाइल इन नेचर है। वर्सटाइल मतलब इसमें कई सारे प्रॉपर्टीज हैं, जितने प्रॉपर्टीज किसी और एटम में शायद नहीं है। ठीक है, जैसे ग्रेफाइट है, देखो ये नेचुरली ऑकरिंग फॉर्म ऑफ कार्बन है और डायमंड भी नेचुरली ऑकरिंग फॉर्म ऑफ कार्बन है। ग्रेफाइट क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और डायमंड क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ग्रेफाइट क्या करता है? स्मूथ है, सॉफ्ट है और लुब्रिकेटिंग है। डायमंड क्या है? हार्डेस्ट नोन मैटर है। ठीक है, तो दोनों क्या है? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। वैसे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन और भी हो सकते हैं, जैसे बकमिंस्टर फुलेरी। इसको बोलते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन देखो गैस भी बना रहा है और यही गैस जो है बिना लिक्विड बने सॉलिड भी बन जाता है। तो बहुत यूनिक प्रॉपर्टीज भी होते हैं कार्बन के। कुछ अल्कोहल हाईली वोलेटाइल, कुछ लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, कुछ जेल और सॉलिड के फॉर्म में भी होते हैं अल्कोहल। कितने कार्बन एटम हो सकते हैं किसी हाइड्रोकार्बन में या किसी कंपाउंड में? ये असीमित है, लिमिटलेस। कितना भी लंबा चेन हो सकता है, जैसे पॉलीमर्स में लंबा चेन होता है। ठीक है, इसीलिए हम कार्बन कंपाउंड्स को अलग से पढ़ते हैं। तो ये एक स्लाइड हो गया। दूसरा, कार्बन का एटॉमिक नंबर है C6H12। इसके दो और आइसोटोप हो सकते हैं, एक C6H13 और एक C6H14। ये हाईली रेडियो एक्टिव होता है और इसमें से इसके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, रेडिएट होते रहते हैं और इसका वजन कम होता रहता है। अराउंड 5735 ईयर्स में इसका 100 ग्राम का सैंपल 50 ग्राम में चेंज हो जाता है, या फिर ऐसा कह सकते हो 1 ग्राम का सैंपल 0.5 ग्राम में चेंज हो जाता है। तो जो भी इसका वेट रहेगा, उस वेट का इतने सालों में उसका वेट हाफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डीके होता है।
इस प्रिंसिपल को यूज करके हम किसी भी सब्सटेंस का एज निकाल सकते हैं, पुराने से पुराने ट्री का या पुराने से पुराने मॉन्यूमेंट्स का हम एज निकाल सकते हैं, उसको हम कहते हैं कार्बन C4 डेटिंग टेक्निक, कार्बन C14 डेटिंग टेक्निक। ये बहुत रेयर है और कम यूज का है। सबसे स्टेबल आइसोटोप है C6-12, मोस्ट स्टेबल। आइसोटोप है सभी आइसोटोप्स में C12 आइसोटोप सबसे स्टेबल है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 6 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इज इक्वल टू 6 है, तो 6/6 इज इक्वल टू 1। और जब भी इस प्रकार का कोई रिलेशन होगा जहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वो एक स्टेबल आइसोटोप होगा। अगर N/P रेशियो इक्वल टू 1 है, उसका मतलब ये स्टेबल आइसोटोप है, ये रूल है। तो ये तो हो गया इसके आइसोटोप्स। इसके एलोट्रॉप्स होते हैं नेचुरली ऑकरिंग फॉर्म्स ऑफ कार्बन। वैसे आइसोटोप्स डिफाइन कैसे कर सकते हैं, एटम्स विथ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, विथ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसमें प्रोटॉन्स सेम होते हैं सबके, लेकिन न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग अलग होती है, ठीक है। उसी प्रकार से कार्बन के कुछ एलोट्रॉप्स हैं, जैसे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है, हेक्सागोनल प्लेट होता है, 6-6 कार्बन का ऐसा ऐसा प्लेट होता है और सभी एक दूसरे के ऊपर स्टेक्ड होते हैं लेयर्स के फॉर्म में। ये सभी कार्बन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये दो हेक्सागोनल यूनिट्स हैं, ऐसे कई सारे हेक्सागोनल यूनिट्स होते हैं इसमें। इस प्रकार से तो जब हम इसमें मैकेनिकल प्रेशर डालते हैं, कोई प्रेशर डाले अगर हम, है ना, तो क्या होता है कि एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड कर सकता है, दे कैन स्लाइड ऑन इच अदर। इसलिए इसको एज ए लुब्रिकेंट हम यूज कर सकते हैं और ये स्मूथ होता है। और इन दो कार्बन के बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास फ्री एंड है कि यहां से यहां जा सकता है और वहां से यहां आ सकता है, इसलिए ये गुड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव फ्रॉम वन एंड टू द अदर। लेकिन डायमंड में क्या होता है, एक कार्बन चार और कार्बन के साथ टेट्राहेड्रली अटैच्ड होता है, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन, इस प्रकार से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है ये। यहां पे सभी कार्बन जो है 4 कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन 1, 2, 3 और यहां से फिर एक कार्बन शुरू होगा, 1, 2, 3 यहां से एक कार्बन शुरू होगा, 1, 2, 3 यहां से एक कार्बन शुरू होगा और 1, 2, 3 यहां से कार्बन शुरू होगा। इस प्रकार से इसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं है कार्बन का, जहां से कि वो उसके इलेक्ट्रॉन्स एक एंड से दूसरे एंड जा पाए, दे डोंट हैव फ्री एंड्स, इसलिए ये रिजिड स्ट्रक्चर है। तो डायमंड जो होता है ये रिजिड होता है। जबकि ग्रेफाइट जो है ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकता है, ग्रेफाइट मॉलिक्यूल्स कैन स्लाइड ओवर इच अदर बिकॉज दे हैव C6 यूनिट्स, हेक्सागोनल C6 यूनिट्स स्टेक्ड अपॉन वन अबव अनदर, एक दूसरे के ऊपर, जैसे कागज के पन्ने एक दूसरे के ऊपर रहते हैं और स्लाइड कर सकते हैं,
उसी प्रकार से ग्रेफाइट के जो लेयर्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर अरेंज रहते हैं, इसलिए मैकेनिकल प्रेशर पड़ने पे वो स्लाइड कर सकता है। लेकिन डायमंड्स के जो कोने होते हैं वो कोने फ्री नहीं होते हैं, ये हार्ड होता है और ये इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ नहीं करता कि एक एंड से दूसरे एंड तक जा पाए, इसका एंड क्लोज्ड होता है, ओपन एंड नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को ये एक कोने से दूसरे कोने तक नहीं जाने दे सकता, इसलिए ये रिजिड होता है। तो ये दो मेन एलेक्ट्रॉप्स हैं। एक और एलेक्ट्रॉप्स है, उसे कहते हैं बकमिंस्टर फुलेरिन। ये फुटबॉल के शेप का होता है और C60, C120 इस प्रकार से इसका काउंटिंग होती है और C6 यूनिट्स होते हैं। इस प्रकार से फुटबॉल की तरह ये दिखता है, अंदर खोखला होता है, कुछ नहीं होता। यह है बकमिंस्टर फुलेरिन, इसको बोलते हैं बकमिंस्टर फुलेरिन। यह है डायमंड, यह है ग्राफाइट। इसके अंदर में हॉलो होता है, दे हैव ए हॉलो स्पेस। कार्बन के वो सारे कंपाउंड जिसके अंदर होलो स्पेस होता हो उसे केज कंपाउंड भी कहते हैं, क्योंकि वो पिंजरे के रूप में काम करता है। तो किसको पकड़ता है ये? किसी भी छोटे मॉलिक्यूल्स को हम इसके अंदर ट्रैप करवा सकते हैं, ठीक है। इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बड़ा अच्छा यूज है, ठीक है। क्वेश्चन इज नेम three isotopes of carbon, कौन नेम करेगा? C6 12 C6 14 and third C6 14 13। Name three allotropes. Allotropes मतलब naturally occurring form of name three allotropes naturally occurring form of any element. पहला ग्राफाइट, दूसरा डायमंड, तीसरा बकमिंस्टर फुलेरिन। ये क्या होता है? सॉफ्ट, स्मूथ, लुब्रिकेटिंग, गुड कंडक्टर, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कैसा होता है? हार्ड और मे बी द हार्डेस्ट। बी बैड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी। ये कैसा होता है? फुटबॉल लाइक शेप, बी हॉलो इनसाइड,
How graphite is smooth and soft? Yes. Thank you for asking this question. More about graphite. ये नेचुरली अकरिंग फॉर्म है, ये मैं नहीं कह रहा, ये भगवान ने बनाया है इसको इस प्रकार से कि इसमें हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है ऐसे कार्बन का. ये अकेला ग्रेफाइट नहीं है, इसके नीचे में और अगल बगल में भी और लेयर्स होते हैं. ये डॉट्स के हैं, कार्बन के डॉट्स हैं. तो इस प्रकार से ये जॉइंट होते हैं. ये मैंने सिर्फ एक यूनिट बनाया है, लेकिन कई सारे और यूनिट ऐसे हो सकते हैं. जैसे इट कैन एक्सपेंड फ्रॉम दिस साइड. तो क्या होता है कि लेयर्स बना हुआ, ये लेयर वन और ये लेयर टू. जब इसमें हम प्रेशर डालते हैं किसी भी एक लेयर पे, तो वन लेयर कैन स्लाइड ओवर अनदर वन. वन लेयर कैन स्लाइड ओवर अनदर. तो जो चीज इजिली स्लाइड हो जाए वो कैसा हो जाएगा? स्मूथ हो जाएगा. लेकिन जो इजिली स्लाइड नहीं होगा वो क्या होगा? हार्ड होगा, रफ होगा. इसलिए ये स्मूथ भी है और इसको पाउडर बनाने के बाद ये सॉफ्ट भी होता है. व्हाट फोर्स एक्ट बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन फॉर्मिंग? सो वी हैव नॉट कम टू द बॉन्डिंग पार्ट नाउ उल्ताज, इट इज देयर इन द डिस्कशन. अभी हम कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन पे नहीं आए, ठीक है? वी आर कमिंग टू दैट पॉइंट. दिस पार्ट इज क्लियर? इतना क्लियर हो गया? इसके बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसके पास फ्री एंड है, ये मूव कर सकता है वन एंड टू द अदर, क्योंकि दो लेयर्स के बीच में स्पेस खाली है. ये स्पेस सिर्फ इलेक्ट्रॉन से ही भरा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इजिली मूव कर सकता है वन एंड टू द अदर एंड. इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है. इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री. टू फॉर्म बॉन्ड्स. Rashi, understood? Yes, sir. अब जब ये पूछ लिया है तो डायमंड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं. मोर अबाउट डायमंड. लिटिल मोर अबाउट डायमंड. देखो कोल माइंस के अंदर
अगर हाई प्रेशर हो और हाई टेम्परेचर हो तो कुछ कोल जो है वो खुद को डायमंड में चेंज कर लेता है, ठीक है, इसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। कोयले के खदान में, कोयला कहाँ मिलता है, खदान के अंदर, अगर मान लो कि जमीन के अंदर बहुत हाई प्रेशर हो और हाई टेम्परेचर हो तो हाई प्रेशर और टेम्परेचर में कार्बन अपने आप को डायमंड में चेंज कर लेता है। तो डायमंड में क्या होता है कि एक कार्बन जो है चार और कार्बन से अटैच होते हैं टेट्राहेड्रली। कैसे, टेट्राहेड्रॉन कैसा होता है, ऐसा होता है पिरामिड शेप। यहां पर एक कार्बन, यहां पर एक कार्बन, यहां पर एक कार्बन और यहां पर एक कार्बन। तो ये जो नीचे जो कार्बन है ये इस प्रकार से है कि ये कार्बन समझ लो कि मेरी तरफ आ रहा है और ये कार्बन तुम्हारी तरफ जा रहा है, ठीक है, और ये सेम प्लेन पे है, लेकिन ये 90 डिग्री ऊपर पे है और ये नीचे है। तो ये एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो इस प्रकार का टेट्राहेड्रॉन बनाता है, टेट्राहेड्रॉन। और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इसमें जितने भी कार्बन है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन्स के बीच बीच में है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर जाने का जगह है ही नहीं इसके पास, ये कॉन्फाइंड है, दो कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फाइंड है, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन जो है फ्री नहीं है मूव करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव, ओके। सो इट हैज ए रिजिड नेटवर्क टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसलिए ये हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है। और इसके इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री, दे डू नॉट हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड टू अदर। तो आज हमने पढ़ा था कार्बन के आइसोटोप और एलोट्रॉप के बारे में, ठीक है। बकमिंस्टर फुलेरिन कैसा होता है, बकमिंस्टर फुलेरिन फुटबॉल जैसा होता है, ऐसा एक हॉलो बॉल जैसा होता है, इसके बीच में एक हेक्सागन, और यहां से सारा प्रोड्यूस्ड इस तरह से होगा। जो केमिस्ट्री की पढ़ने से क्या क्या नहीं अच्छा हो जाता, यू विल बिकम ए गुड कुक, यू विल बिकम ए गुड ड्राइंग वाला, यू कैन बिकम ए नाइस यू नो ग्राफिक आर्ट आर्टिस्ट, सब कुछ करना पड़ता है इसमें, देखो कुछ बचा हुआ नहीं है।
इसके अंदर क्या होता है, हॉलो होता है, और ये C60 सिस्टम है, इसमें 60 कार्बन होते हैं, ठीक है, यानी कि 10 हेक्सागोनल यूनिट्स होंगे इस प्रकार से, जो अपने आप को घुमा के एक फुटबॉल की तरह रूप देते हैं। इसके इनसाइड जो है हॉलो होता है, खोखला, और बाहर से ऐसा लेयर होता है। C60 का यूनिट होता है, इसे कहते हैं बकमिस्टर फुलेरीन। तो हमने क्या पढ़ा आज, आइसोटोप्स और एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम बॉन्डिंग इन कार्बन और कैटिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, और फिर कुलताज का क्वेश्चन का आंसर भी उसी में आएगा। ठीक है कुलताज, नेक्स्ट क्लास, यस सर, क्लास में हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग के बारे में, और बॉन्डिंग में कैटिनेशन का बात आएगा, कैटिनेशन। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है, एकदम बीच में हम चैप्टर का कूदेंगे दिक्कत हो जाएगी, है ना, धीरे 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 कंसेप्ट बनता है। सीखना बहुत स्लो प्रोसेस है, इसलिए इतना लंबा स्कूलिंग का जीवन होता है। हम एक्सप्लोजिव तरीके से पटाखे की तरह नहीं सीख सकते, जैसे पटाखा तुरंत फटा और फट गया, वैसे ही हम सीख नहीं सकते हैं कि बुक खोला और सीख लिए, उसके पीछे समय देना पड़ता है। वी हैव टू लर्न फ्रॉम सिंपल टू डिफिकल्ट, अननोन, नोन टू अननोन, जो मुझे पता है वहां से अननोन की तरफ। ये सीखना बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत फास्ट नहीं कर सकते। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर।